नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी साथियों को। मैं राज, मैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिस ट्रिप का नाम है जन्नते कश्मीर। जैसे ही यह शब्द मेरे दिमाग में आता है, कश्मीर, जन्नते कश्मीर, एक अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है शरीर में। और बताना चाहूँगा कि आप सभी ने जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। तो इस वीडियो को शेयर करने का मेरा यही पर्पस है कि आप जब भी प्लान करें कश्मीर जाने का, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर ट्रिप टू कश्मीर, फॉर हाउ मेनी डेज यू कैन स्टे देयर, एंड व्हाट ऑल प्लेसेस आर वेरी फेमस टू विजिट। सो नॉर्मली इसमें सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ आप कहाँ से पैकेज बुक करें। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमारा पैकेज बुक हुआ था, हम कुछ दोस्त एक साथ गए थे कश्मीर, तो सब कुछ इसमें मेंशन कर दूंगा। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखें। और जो लोग अभी तक कश्मीर कभी घूमने नहीं गए हैं, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको एहसास होगा, आप ऐसे फील करोगे कि आप सच में कश्मीर में हो। तो आप बने रहिए और देखिए ऐसे हमारी यात्रा का स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों हमारी जो है वॉल्वो बस टिकट बुक थी नई दिल्ली कश्मीरी गेट से। यहाँ से हमने वॉल्वो बस बोर्ड करा और सीधा हम लोग श्रीनगर पहुँच गए। श्रीनगर मॉर्निंग में पहुँचे, मॉर्निंग में पहुँचते ही हमारा साइट सीन था। सबसे पहले हम लोग शंकराचार्य टेम्पल गए। यहाँ पे देखिए शंकराचार्य टेम्पल बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे जाने के बाद आत्मा को एक अंदर से संतुष्टि मिलती है। और आप टेम्पल के ऊपर से देखोगे तो ये श्रीनगर शहर के बीचों बीच है। यहाँ से पूरा डल झील दिखता है, पूरा शहर आपको दिखता है। अभी कुछ काम चल रहा था टेम्पल में, आप देख सकते हो। और काफ़ी चिलचिलाती यहाँ पे ठंड थी, ठंड की वजह से जैसे कि ये टॉप पे है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। यहाँ पे शंकराचार्य जी आप देख सकते हैं, यहीं पे वो अपना तपस्या करते थे, उनका तपस्या स्थल है। और यहाँ एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। पहले दिन जाते ही हमें यहाँ पे दर्शन मिला, उसके बाद प्रसाद के रूप में यहाँ पे हमें चावल और चावल छोले मिले जो प्रसाद ग्रहण करना था। उसके बाद हम लोग चले गए मुगल गार्डन। मुगल गार्डन एंड परी महल, ये लोकल साइट सीन में श्रीनगर में आप पहले दिन घूम सकते हो। सो नॉर्मली हमें बस स्टैंड से ड्राइवर ने पिक कर लिया था, हमने जो पैकेज बुक करा था, और ये साइट सीन ड्राइवर ने हमें करवाया। तो ये आप देख सकते हो परी महल है। परी महल मुगल गार्डन घूमने के बाद आप देख सकते हो परी महल में बहुत ऐसे जगह है जहाँ ये चिनार का पेड़ है। सो ये चिनार का जो पेड़ है ना, ये लगभग 300-300 साल पुराने पेड़ हैं। तो आप इन जगहों का अच्छे से आनंद लें। और उसके बाद से हम लोग निकल चले थे लाल चौक की तरफ। लाल चौक आप समझ सकते हो काफ़ी ही फेमस जगह है। लाल चौक का जो क्लॉक टावर है, 1992 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे झंडा तोलन किया था, तिरंगा लहराया था। क्योंकि आप समझ सकते हो कि लाल चौक पे एक काफ़ी बड़ी चुनौती रही है हमेशा से। आतंकवादियों ने धमकी दे रखा था कि हाँ जी हम यहाँ तिरंगा नहीं फहराने देंगे। कभी कभी पाकिस्तान के झंडे वहाँ पे लहर जाते थे आतंकवादियों द्वारा, और कभी कभी कश्मीर का जो अपना झंडा था वो लहरता था। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोदी जी ने झंडा तोलन 1992 में किया था। और हम लोग उसी रास्ते में जब जा रहे थे तो देखा कि यहाँ चप्पे चप्पे सिक्योरिटी की अच्छी बंदोबस्त है। टूरिस्ट के लिए काफ़ी सेफ प्लेस हो चुका है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी तैनाती थी CRPF वालों की, और हम सब की सुरक्षा के लिए है और वहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए है। तो हम लोग मुगल गार्डन से जब पहुँचे लाल चौक, आप देख सकते हो यहाँ से लाल चौक आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्केट होते हुए हम लोग अपनी कैब में हैं, गाड़ी में हैं, और हम लोग सीधा यहाँ पहुँचेंगे लाल चौक। लाल चौक पे शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है, मेन मार्केट आप बोल सकते हो। आपको शॉपिंग अगर करनी हो तो ज़रूर लाल चौक का जो मार्केट है वहाँ ज़रूर जाएं। लाल चौक सिर्फ इस क्लॉक टावर को नहीं बोलते हैं, ये पूरा एरिया ही लाल चौक कहलाता है। लेकिन आप क्लॉक टावर देख,
आप सब देख सकते हो ये कश्मीर का लाल चौक है और लाल चौक पे आप सभी का स्वागत है। यही वो लाल चौक है जो पहली बार मोदी जी ने 1990 में तिरंगा झंडा फहराया था और आज हम लोग उसी लाल चौक में मौजूद हैं और वहीं से आप सभी को नमस्कार सलाम जय पीछे तिरंगा झंडी तो चलो घुमा दो। अब देख सकते हो ये लाल चौक का 360 व्यू है, यहाँ से कंप्लीट आपको मार्केट नज़र आ रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे लाल चौक कितना बेहतरीन बोर्ड लगा हुआ है, फोटोग्राफी का ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अब देखोगे तो एक मोदी जी का यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है और मोदी जी के पिक्चर के साथ वहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं वो जाके फ़ोटो निकाल रहे हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हो लाल चौक जो क्लॉक टावर है ये पिक्चर स्पॉट बना हुआ है, जो भी जाता है यहाँ क्लॉक टावर के साथ अपना पिक्चर लेता है। और साथ ही साथ यहाँ मोदी जी का एक स्टैचू है छोटा मोटा, यहाँ भी सब जाके पिक्चर लेते हैं। हमारी दोस्तों ने भी हमने भी यहाँ पे पिक्चर ली और यहाँ पिक्चर लेने के बाद लाल चौक पे थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी और शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े अपनी शिकारा राइड। शिकारा राइड आप समझ सकते हो, जैसे ही आप शिकारा राइड पे बैठोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉफ़ी वाले कावा वाले, जैसे हमारे यहाँ चाय होता है वहाँ कावा बोला जाता है। और शिकारा राइड में बताना चाहूँगा बेहद ही खूबसूरत अनुभव एक्सपीरियंस रहा, आप जब जाएँ तो ज़रूर इसका अनुभव लें। और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मोटर बोटें नहीं है, ये मैनुअली ये लोग बोट को आगे की तरफ जो है चप्पू चलाते हैं और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इतने बड़े बड़े आप बोट हाउस देख सकते हैं और हमारा रात का स्टे इन्हीं बोट हाउसेस में है। तो अभी हम लोग एक घंटे का शिकारा राइड लेने के बाद हम लोग अपने बोट हाउस में जाएंगे स्टे के लिए। ये जन्नत है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना खूबसूरत यहाँ ये श्रीनगर का डल झील, डल लेक जो कहा जाता है, ये देखते हुए कोई भी इंसान आएगा तो एक अलग ही उत्साह उसमें नज़र आता है। और इसीलिए डल झील और कश्मीर खास करके बोला गया है कि ये दुनिया धरती पे स्वर्ग है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे यही सुझाव, आप सबको सुझाव यही देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर प्लान करें कश्मीर आने का और श्रीनगर के डल झील में शिकारा राइड लेना ना भूलें। साथ ही साथ यहाँ पर बोट हाउस का मज़ा लीजिए, बोट हाउस में एक दो रात बिताइए जो कि बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस देगा। यहाँ देखेंगे सारी ये बोट है, यहाँ पे हमारे नीरज है जो मित्र हैं भाई सारे साथ ही साथ यहाँ सोम भाई हैं हमारे, सोम दादा और हमारे इंस्ट्रक्टर यहाँ पे हैं। तो इस तरह से डल झील जो है जनवरी के महीने में फर्स्ट वीक से जमना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और ये शिकारा राइड के लिए भी एक अलग लोकेशन इसकी वे रास्ता बनाना निकालना पड़ता है, नहीं तो इस पे बच्चे जो है क्रिकेट वगैरह आप खेल सकते हो जब ये प्रॉपर तरीके से जम जाए। और कल का हमारा प्लान है कि गुलमर्ग जाने का, गुलमर्ग जो कि देखा जाए तो स्नो के लिए काफ़ी फेमस है और वहाँ पर पिछले 3 दिनों से स्नो लगातार हो रही है और वहाँ अगर जगह आप जैसे ही गुलमर्ग जाओगे ना तो गुलमर्ग दो एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, गंडोला राइड। और गंडोला के दो फेस है, हमारे पास फेस वन का टिकट ऑलरेडी बुकड है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फेस टू का टिकट मिल जाए, लेकिन कल की ये न्यूज़ है कि कल गंडोला राइड फेस टू बंद था और बंद होने का रीज़न ये था कि काफ़ी ज़्यादा बैड वेदर था, स्नो ज़्यादा हो गया। इसी के साथ देखिए यहाँ कॉफ़ी वाले भाई साहब आ गए, कॉफ़ी पूछ रहे हैं और हमने अभी कॉफ़ी पी लिया था यहाँ पे। काफ़ी बेहतरीन मौसम हो रखा है अभी और चिलचिलाती हुई ठंड है, अभी का जो तापमान है -2 डिग्री चल रहा है यहाँ श्रीनगर डल झील का। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये डल झील में जो है शिकारा राइड स्टार्ट हो चुका है और इस शिकारा राइड के थ्रू हम लोग पहुंच रहे हैं अपने बोट हाउस में, जो बोट हाउस हमारा क्यूबेक बुक है। उसके पहले हम लोग मीना बाज़ार होते हुए जो फ्लोटिंग मार्केट है यहाँ का वो देखते हुए हम लोग पहुँचेंगे अपने बोट हाउस में। और आप देख सकते हैं कितनी चिलचिलाती ठंड यहाँ पर है, अभी फ़िलहाल -2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है और ये जो झील है ये जनवरी के महीने में बिल्कुल जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो काफ़ी आनंद भरा ये डल झील है और इसका लुफ्त उठाना ना भूलें। और श्रीनगर के दिलों में ये बसता है, बीचों बीच शहर के बीचों बीच ये डल झील है, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा अभी तक का।
देख सकते हो ये फ्लोटिंग मार्केट, चारों बगल आप दुकानें दिख सकती है, शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। डल झील के ऊपर ये दुकानें फ्लोट करती हुई आपको, और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मार्केट है। आपको कश्मीर की हर एक तरह की हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पे कश्मीरी शॉल, जैकेट्स, हैंडलूम्स, ये सारे अवेलेबल हैं। हालांकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर किया जाए दूसरे मार्केट से, जो जो मार्केट यहाँ पे लाल चौक पे है उस कंपेयर में ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे जितने भी आते हैं टूरिस्ट यहाँ घूमना नहीं भूलते, क्योंकि ये एक मेजर पॉइंट है, ये फ्लोटिंग मार्केट मीना बाज़ार जो है मेजर पॉइंट है। तो आप सब भी आएँ तो ज़रूर यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट का आनंद लें। जैसा कि आप देख सकते हैं मीना बाज़ार जो है ना रात में ऐसे दिखता है, फ्लोटिंग बोट्स। जोर से बोलो, के नाम से जाना जाता है। जोर से बोलो, जय माता दी। क्या बोलो? नहीं रात को काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये डल झील, आप देख सकते हो रात को कितना सुंदर। यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं बेहतरीन लाइटनिंग का काम हो रखा है, और साथ ही साथ अच्छा लग रहा था यहाँ आसपास अदर बाकी के जो शिकारा है वो पास हो रहे थे। और देखिए कितनी अच्छी दुकानें सजी हुई है यहाँ पे, और ये जितने भी आइटम्स है वो कश्मीरी ज़्यादा वूलन आइटम्स थे, क्योंकि विंटर सीजन्स के लिए ही ये फेमस है और इसे कहते हैं मीना बाज़ार। और बता दूं कि डल झील जो है लगभग 16 किलोमीटर में फैला हुआ है, और 16 किलोमीटर में आप देख सकते हो ये जो घर है, ये आप मकान देख सकते हो, इसमें हैदर मूवी की शूटिंग हुई है। यहाँ प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है, हैदर मूवी डन हेयर। और इस डल झील के बाद नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम, आदाब। अब आप देख सकते हैं कि ये डल झील है, डल झील में सुबह के 8 बज रहे हैं, और 8 बजे आप देख सकते हैं कितना फॉग है, कुहासा है। अभी हम लोग आपको दिखाते हैं बोट हाउसेस यहाँ कैसे होते हैं और कितना बेहतरीन तरीके से इन बोट हाउसेस में काम किया गया है, और ले चलते हैं अपने बोट हाउस में। यहाँ पर अभी हम लोग ठहरे हुए हैं, और रेडी हो गए? हाँ रेडी है, आप उनको ये बोल दीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये बैठने का जगह हो गया बोट हाउस में, और देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे नक्काशी काम हो रखा है, ये कश्मीरी वुडन वर्क हो रखा है यहाँ पे। और इस तरह से आपको ले चलते हैं, यहाँ आप स्मोक कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं यहाँ से अपने बोट हाउस में, ये बेहतरीन हॉल है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल सीनरीज है कश्मीर के, और देखिए वॉल जितने भी हैं बोट हाउस कंप्लीट वुड वर्क होता है, लकड़ियों का बना होता है। और यहाँ पे अपना कॉफ़ी चाय पीने के लिए और भी गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, और इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे झूमर भी है, साथ ही साथ तो काफ़ी खूबसूरत है बोट हाउस है। और सोफ़ा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड का बना हुआ है बेहतरीन। आप बोले चलते हैं यहाँ रूम में, ये देखिए ये हो गया आपका कॉरिडोर, कॉरिडोर से होते हुए आप अपने रूम में दाखिला लेते हैं, एंट्री करते हैं। साथ ही साथ यहाँ बाहर देख सकते हैं ये विंडो हो गया बाहर के लिए, और ये रहा रूम का नज़ारा यहाँ नीरज लगाते हुए। ये रहा बेहतरीन रूम जहाँ आप स्टे करेंगे। बस धन्यवाद, बने रहिए, हम आपको अब गुलमर्ग की तैयारी करवाते हैं। तैयारी या सर? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डे वन का जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है श्रीनगर का साइट सीन और डल लेक का, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और बता दें कि हमारा ये 5 नाइट एंड 6 डेज का स्टे था, प्लान था, ये ट्रिप था, जिसमें कि डे वन का स्टे हमारा बोट हाउस में था, जो डल लेक बोट हाउस में था। कल हम लोग जा रहे हैं अगले डेस्टिनेशन पे, जिस डेस्टिनेशन का नाम है गुलमर्ग, और गुलमर्ग में मैं दिखाऊंगा गोंडोला राइड कैसे होता है और कितना बेहतरीन है। बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें, जल्दी हम आपको शेयर करते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।